एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ऑटो और ई रिक्शा चालकों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पेपर और सिटी परमिट के कागजात चेक किए गए। इस दौरान दर्जनों ऑटो चालकों के पास सिटी परमिट नहीं पाया गया, जिनके विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर बिना सिटी परमिट शहर में चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो भी ऑटो चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान TI मनोज राय, TI धर्मेंद्र सिंह, TI अजिंत कुमार पांडे और TSI रामवृक्ष यादव सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। काम की समस्या पैदा कर रहे हैं, ऐसे ऑटो को ले जाइए, अब ये परमिट दिखाएंगे, परमिट के अनुसार इनकी कार्रवाई होगी। किनारे करो ऑटो को, किनारे करो। इन गाड़ियों का सिटी परमिट नहीं है, वो भी शहर में चल रहे हैं और शहर में चल करके काम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अनाधिकृत रूप से सड़क पर खड़ा कर रहे हैं। शहर में ऐसे गाड़ियों को रोकिए हम लोग। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिनके पास परमिट नहीं है या देहात का परमिट है शहर में चला रहे हैं, या जिनके पास DL नहीं है या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या अन्य इसी तरह का जो यातायात नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया था और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। सर, अब तक कितने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई? अभी तक के अभियान में आज ये लगभग 50 की संख्या होगी, जो यातायात इस तरह के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सर, बहुत से ऐसे नाबालिग बच्चे देखे जा रहे हैं जो ऑटो और ई रिक्शा चलाते हुए पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह से अभियान चलाया जाएगा और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस अभियान में ये भी देखा जा रहा है, कोई नाबालिग भी ऑटो न चलाए और जो भी चला रहे हैं वो उनके पास DL जरूर होना चाहिए। तो इस तरह कभी कोई नाबालिग तो चलाते हुए नहीं पाया गया है, हाँ बिना DL के कुछ लोग पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध भी इस अभियान में कार्रवाई की गई है।